सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो कब है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की। जैसे कि आप सिम्बोसिस की बात कर लीजिए, नासामुंजी की बात कर लीजिए, इसके अलावा मान लीजिए आप क्राइस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप अब हाँ बोल सकते हो कि जैसे जेवियस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपीयू मेट, जिपमेट हो गए, आईपीयू सेट हो गया, तो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स कब है और कब इनकी लास्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। अब देखिए, इसके अंदर से कुछ ऐसे एंट्रेंसेज है जिन्होंने अपनी डेट्स रिलीज कर दी है, फॉर्म्स आ चुके हैं, उनकी मैं आपको एक्यूरेटली बता दूंगा। और जिन एंट्रेंस एग्जाम्स में बताया है कि आप हम लोग थर्ड वीक ऑफ इस मंथ में हम लोग करने वाले हैं, उस मंथ में करने वाले हैं, तो जिस तरह से उनके नोटिस आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको उनकी जो डेट्स है वो बता दूंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और शुरू करने से पहले, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चाहे आप सीयूडी टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बीएचयू, जेएनयू, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर आप मान लीजिए बीबीए, बीएमएस, आईपीएम करना चाहते हो दूसरी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आप क्राइस टारगेट कर रहे हो बीबीए के लिए, सिम्बोसिस कर रहे हो, नारसामुंजी आप कर रहे हो, जेवियस से बीएमएस करना है, इपमेट जिपमेट आपको देना है, आईपीयू सेट से बीबीए करना है, तो उन सभी की भी आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से एनरोल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, और आपका अल्टीमेट एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे ही होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स बोर्ड्स को प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, प्लस अपने एंट्रेंस पर भी पूरा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते भाई कि उनसे आगे कोई निकल सके। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, आप भी फोड़ सकते हो सारे एंट्रेंसेस को, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं कि कब से आपके जो फॉर्म्स है वो आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिम्बोसिस की। तो सिम्बोसिस के फॉर्म्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने वीडियो बनाई थी आपको किस तरह से फिल करना है। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रहने वाली है सिम्बोसिस की वो है आपकी 12th अप्रैल 2023, यानी कि 12th अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, तो वहां पर देखिए आपको दो स्लॉट्स मिलते हैं, आप एक एंट्रेंस भी दे सकते हो, आप दोनों भी दे सकते हो। अगर आप दोनों देखो तो उसके अंदर थोड़ी सी फीस आपकी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो आपके अगर मैं एंट्रेंसेस की बात करूँ सिम्बोसिस की, तो वो 6th ऑफ मे को भी है आपका और 14th ऑफ मे को भी है। आप देख लीजिए आपको कौन से एंट्रेंसेस देने हैं, 6th मे वाला देना है या फिर 14th मे वाला देना है। इसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं उनके वो आ जाएंगे 24th ऑफ मे को, जैसे कि उनकी वेबसाइट पर अभी तक मेंशन हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नारसामुंजी की, मान लीजिए आप नारसामुंजी का एनपैट का एग्जाम दे रहे हो, तो एनपैट के एग्जाम से अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपके ओपन है, 1st ऑफ दिसंबर से आपके ओपन हो चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। एंड उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज होंगे 21st मे 2023 को, यानी कि आप 21st मे तक आप उनके फॉर्म्स फिल कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि यार लगभग 5-6 महीने के लिए उन लोगों ने अपने फॉर्म्स निकाले हुए हैं, ठीक है, तो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एंट्रेंसेस कब है, तो देखिए उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आप फॉर्म फिल करते हो नारसामुंजी का, फिर उसी फॉर्म के अंदर आपको अपनी जो डेट है वो भी सेलेक्ट करनी होती है। तो आप अपने हिसाब से जो डेट है वो सेलेक्ट कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की जो भी स्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनके जो एंट्रेंसेज है वो बेसिकली 4th जनवरी से लेकर के 31st मे के बीच उनके अलग अलग स्लॉट्स हैं। तो आप जिस भी स्लॉट को चूज करना चाहो, जिन्होंने अवेलेबल किए हुए हैं, वो स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें अपना जो टेस्ट है आप दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CUET की, जिसका बेसब्री से सभी स्टूडेंट्स को इंतजार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU वगैरह के लिए जो CUET होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी डेट्स का, तो रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका लगभग मिड फरवरी के आसपास जो आपका CUET है उसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे मिड फरवरी से, राइट। और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स आ गई थी कि आपकी जो डेट्स है वो आपके भाई लास्ट वीक ऑफ मे से लेकर के 1st वीक ऑफ जून तक आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं CUET के वो आपके चलने वाले हैं। आप सभी को पता होगा CUET का कोई एक टेस्ट नहीं होता, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, तो आपका लास्ट वीक ऑफ मे से लेकर के 1st वीक ऑफ जून के बीच जो है आपके CUET के एंट्रेंस टेस्ट चलने वाले हैं। और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट तो CUET के जो टेस्ट है भाई वो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए चले थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम कम कर दिया है, आपके लगभग 2 हफ्ते तक आपके जो एग्जाम्स हैं वो यहां पर CUET के चलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बाकी एंट्रेंसेस की बात करूँ, तो अभी तक बाकी एंट्रेंसेस की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एक इन जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं फरवरी से लेकर मार्च के बीच सभी के फॉर्म्स आ जाएंगे, चाहे आप इपमेट जिपमेट टारगेट कर रहे हो, चाहे आप आईपीयू से टारगेट कर रहे हो, चाहे आप जेवियस टारगेट कर रहे हो, तो फरवरी से मार्च के बीच उनके आपकी जो फॉर्म्स है वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो उनके एग्जाम्स होंगे वो अगेन आपके मे एंड में ही होने वाले हैं, मे एंड के आसपास आप आगे चलिए जब CUET के एग्जाम्स होंगे, तो उसी वक्त आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो क्राइस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, उनके जो फॉर्म्स है भाई अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आने वाले हैं, उनकी वेबसाइट पर दिखा रहा है कि बहुत जल्द हम लोग रिलीज करने वाले हैं जनवरी में ही, राइट। तो 4-5 दिन के अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ जाएंगे। उनके जो एग्जाम्स है वो आपको पता है राउंड्स के अंदर होता है, 1st राउंड 2nd राउंड 3rd राउंड, जो कि उनके एग्जाम्स लगभग 2 महीने तक चलते रहते हैं। तो आप लगा के चलिए कि उनके जो एग्जाम्स हैं वो आपके मार्च एंड से लेकर के अप्रैल एंड, या फिर आप बोल सकते हो कि मे सेकंड वीक तक आपके जो एग्जाम्स है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के चल सकते हैं। तो डिफरेंट राउंड्स होते हैं, डिफरेंट अलग एडमिशन प्रोसेस होता है उनका, तो इस तरह से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, और आपको भाई बोर्ड्स भी फोड़ने हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स भी फोड़ने, क्योंकि आपका अल्टीमेट एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के बेसिस पे होने वाला है, लेकिन बोर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ों की आपको साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट।
शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।